राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक जोहरीलाल मीणा ने कस्बा लक्ष्मणगढ़ सहित क्षेत्र के कई गांवों का धन्यवाद दौरा किया। कांग्रेस नेता इकबाल खान व जिला सचिव नूतन शर्मा ने बताया कि नव निर्वाचित विधायक जोहरीलाल मीणा को गाजे बाजे के साथ कस्बे में लाया गया। बाद में कस्बे के मुंह बाजार, चौपड़ा बाजार, बस स्टैंड पहुँचा, जहाँ खाद्य पदार्थ व्यापार संघ अध्यक्ष सुनील अटोलिया, कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र कोठारी के नेतृत्व में समितियों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा साफा बांधकर वे माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बाद में विधायक जोहरीलाल मीणा ने सभी व्यापारी मंडलों के पदाधिकारी व आमजन का धन्यवाद दिया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा कस्बे के खंडलवाल धर्मशाला परिसर में विधायक मीणा का स्वागत किया गया, जहाँ ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ विधायक का साफा बांधकर वे माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लड्डू भी बांटे। इस दौरान कस्बे के लोगों ने विधायक को समस्या बताकर उनका निराकरण करवाने की मांग की। वहीं विधायक जोहरीलाल मीणा ने कहा कि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का निराकरण ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने, घाट कैलाश पिकअप वेयर का पानी लक्ष्मणगढ़ बांध में लाने, कस्बे में नगर पालिका खुलवाने के अलावा लक्ष्मणगढ़ सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में सुविधाजनक व अच्छा करवाने की पहली प्राथमिकता होगी। इससे पूर्व विधायक जोहरीलाल मीणा का गांव लीली में सरपंच श्रीराम चौधरी के नेतृत्व में लोगों ने विधायक का स्वागत कर केलों से तोला। विधायक ने हरसाना, सेमला, सजनपुरी, बहदपुरी, मजबता, हसनपुर, रायपुर अहीर, रायपुर जाट, लीली का भी दौरा किया। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान शीला मीना, जकावत खान, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सहाय विजय, खुर्शीद खान सोराई, जिला महासचिव सेवा दल इकबाल खान सहित अनेक लोग उपस्थित थे। 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान के लिए लक्ष्मणगढ़ से रफीक खान की रिपोर्ट।